हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यूएसडी जेपी बाय करेंसी पेयर में हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे आज हम किस तरीके से यूएसडी जेपी बाय में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझेंगे, इसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करेंगे। तो काफ़ी अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप यूएसडी जेपी वाई में किस तरीके से इजी एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। देखिए, तो यहाँ से हमने एक ईजी सपोर्ट लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। अभी इस लेवल को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लिया है यूएसडी जेपी वाई ने। देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, और इस लेवल को सपोर्ट लेने के बाद, ध्यान दीजिए, सपोर्ट लेने के बाद अगेन मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, अगेन इस लेवल का ब्रेकडाउन किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है मे भी अभी यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें काफ़ी अच्छी यहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, हमें एनालाइज करना है फ्रेंड्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में, माफ़ करना, 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, देखिए हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो भी आप इस तरीके से आसानी से एक एनालाइज कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, इसके बाद अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बॉटम टू टॉप देखना है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा बॉटम टू टॉप दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमें क्या दिख रहा है, बॉटम, और ये दिख रहा है हमें टॉप। तो यहाँ से इजी हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ से हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, बॉटम टू टॉप, ये हमने फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमने फिबोनाची को बॉटम से पकड़ा और टॉप तक फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पे हम देखेंगे फिबोनाची को कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, एक फिबोनाची का हमें लेवल नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस लेवल का, जो कि काफ़ी अच्छे से यूएसडी जेपी वाई ने सपोर्ट लिया है। कौन सा लेवल है फ्रेंड्स, 0.23% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अगेन यहां से रिटेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अगर यूएसडी जेपी वाई इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट कहां सपोर्ट ले सकता है फ्रेंड्स। देखिए, फिबोनाची का जो लेवल है ना, इसको हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। कौन सा लेवल है, 0.38% का, यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.38% का लेवल है। अगर 0.38% को भी यहाँ पे ब्रेक किया यूएसडी जेपी वाई ने तो कहाँ सपोर्ट ले सकता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है 0.5% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये वाला लेवल नज़र आता है। तो हमें क्या करना है, फटाफट इन लेवल्स को यहाँ पर मार्क करना है। ये हमने 0.38% के फिबोनाची लेवल को मार्क कर लिया, सेकेंड 0.5% के लेवल को भी मार्क कर लिया। अभी यहाँ से हमें इसको रिमूव कर देना, फिबोनाची को रिमूव कर देना है। अभी ध्यान दीजिए, अब चलेंगे हम यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस लेवल को प्रीवियस टाइम मार्केट ने भी रिस्पेक्ट किया है। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम इस लेवल को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से, देखिए प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफ़ी अच्छे से इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट भी लिया है। इसी के साथ साथ अगर हम इस वाले लेवल को देखें, फिबोनाची के 0.5% वाले लेवल को देखें, तो इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया है। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लेवल, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से मार कर लिया। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कब करना चाहिए, देखिए यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए इस वाले लेवल को, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है, यूएसडी जेपी वाई अगर हमारी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, लेवल कौन सा है चेक कर लेते हैं, 136.713 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, फिर यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो इस लेवल के आसपास 136.414 के लेवल का यहाँ पे टारगेट हम दे सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रहा है,
इस लाइन का यहाँ पे ब्रेक करना जरूरी है। 136.713 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, तभी हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए हम बाय भी कर सकते हैं दोस्तों। बाय हमें कब करना चाहिए? बाय हमें करना चाहिए इस लेवल का ब्रेक होने के बाद, ठीक है। ये वाला लेवल यहाँ पे थोड़ा सा हम और इसको कुछ इस लेवल पर रख देंगे। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 137.009 के लेवल को अगर ब्रेक करता है यूएसडी जेपी बाय, फिर हम यहाँ से बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करता है फिर हम बाइंग की तरफ देखेंगे और इस लेवल का छोटा सा एक टारगेट हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस लेवल के आसपास। तो इस तरीके से दोस्तों हम आज के दिन यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे समय कितना हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 19:19, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अभी टाइम हो रहा, तो हो सकता है मे बी इवनिंग टाइम यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिले, इसके बाद यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करे, तो फिर यहाँ से हम इस तरीके से एनालाइज करने। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूएसडी जेपीवाई में आज के दिन एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें, ट्रेड करना नहीं करना वो एक अलग बात है, जब आपको सेटअप मिले तब आप ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आपको एनालाइज इस तरीके से जरूर करना चाहिए दोस्तों, ताकि आप ट्रेंड हो, आपकी आंखें ट्रेंड हो और इस तरीके के सेटअप जब भी मिले तो आप आसानी से बहुत कम टाइम में आइडेंटिफाई कर पाएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एनालाइज पसंद आया होगा। अगर आपको एनालाइज पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।